कांग्रेस द्वारा मध्य प्रदेश में आदिवासियों को लेकर यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा को कांग्रेस ने आदिवासी स्वाभिमान यात्रा नाम दिया है। इस यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने ऐतराज जताया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस को 60 साल में आदिवासियों की याद नहीं आई और अब मध्य प्रदेश में आदिवासियों के नाम पर चुनावी साल में कांग्रेस नौटंकी कर रही है। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस आदिवासी स्वाभिमान यात्रा निकाल रही है। मैं कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं कि देश के अंदर आपने 60 साल तक राज किया, तब आदिवासी स्वाभिमान की याद नहीं आई आपको? तब आपको जनजाति गौरव की बात नहीं आई? जब मध्य प्रदेश के अंदर 1993 से 2003 तक बंठाढार की सरकार थी, तब आदिवासी स्वाभिमान यात्रा की याद नहीं आई आप लोगों को? मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने आदिवासियों के सम्मान को लेकर, आदिवासियों के गौरव को बढ़ाने को लेकर, आदिवासियों के स्वाभिमान को लेकर लगातार मैदान में आदिवासियों के साथ खड़ी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदिवासी समाज के गरीब भाई और बहनों का जीवन बदलने का काम हुआ है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, आपने 60 सालों तक पक्के मकान बनाकर आदिवासी भाइयों को क्यों नहीं दिए? आपने आदिवासी क्षेत्रों में पक्की सड़कें बनाकर क्यों नहीं दी? आपने जनजाति गौरव दिवस घोषित क्यों नहीं किया? आपने आदिवासी महापुरुषों के नाम पे जनजातीय गौरव दिवस के साथ साथ महापुरुषों के स्मारक बनाने का काम क्यों नहीं किया? आज भारतीय जनता पार्टी आदिवासी समाज के सम्मान के लिए, आदिवासी समाज के स्वाभिमान के लिए, आदिवासी समाज के गौरव के लिए लगातार काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी आदिवासी भाइयों और बहनों का जीवन बदलने का काम कर रही है। कांग्रेस ढोंग कर रही है, आदिवासी स्वाभिमान यात्रा के नाम से नौटंकी कर रही है। कांग्रेस आदिवासी भाइयों और बहनों को भ्रमित करने के लिए और आदिवासी भाइयों और बहनों के साथ छलावा करने के लिए कांग्रेस ये स्वाभिमान यात्रा लेकर निकल रही है। ये स्वाभिमान यात्रा नहीं है, बल्कि ये कांग्रेस की ढोंग यात्रा है। मैं आदिवासी भाइयों और बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस को सबक सिखाना चाहिए। अब कांग्रेस के छलावे में आने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के साथ अब वही करना चाहिए जो हमारे आदिवासी समाज के साथ कांग्रेस ने 60 सालों तक गलत व्यवहार किया, हमारे साथ दोगला व्यवहार किया, हमको झूठ बोलने का काम किया, हमारे साथ छलावा करने का काम किया, हम सब के साथ में भ्रमित करने का काम कांग्रेस लगातार कर रही है। कांग्रेस इस स्वाभिमान यात्रा के साथ में एक बार फिर से ढोंग करते हुए, नौटंकी करते हुए हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों को झूठ बोलने के लिए स्वाभिमान यात्रा लेकर निकली है। ऐसे कांग्रेस के हमारे जो नेता है उनको हमको सबक सिखाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर निरंतर विकास की गंगा बह रही है और हमारी डबल इंजन की सरकारों ने आदिवासी भाइयों और बहनों का जीवन बदल के रख दिया है और उनके जीवन को आर्थिक रूप से समृद्ध किया है, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध किया है, सामाजिक रूप से मजबूत किया है। हमारी बहनों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर कर रही है। ये कांग्रेस की आदिवासी स्वाभिमान यात्रा को मैं पूर्णतः एक छलावा यात्रा कहूंगा, एक नौटंकी यात्रा कहूंगा, एक ढोंग यात्रा कहूंगा। मैं मेरे भाइयों और बहनों से अनुरोध करता हूं कि कांग्रेस के इन लोगों को जरूर जवाब